हाँ तो भाई कुछ ऐसी नजर आती है आपके भाई की गाड़ी, ये देखें भाई सारा सामान ही सामान हुआ है गाड़ी में, चेक करें भाई, फुल भाई फुल अपना बंदोबस्त करके निकले थे गाड़ी, भाई फुल सामानो सामान हुई हुई है। और देखो ये भी भाई बूट में सारा सामान पड़ा, शूज़ वगैरह लैम्प शैम्प। दूसरा दौरा खोल के दिखाते हैं आपको, यहाँ भाई कपड़े ही कपड़े, नीचे अपना क्लीनर है अपने कपड़े शपड़े धोने वाला, और अपना ये अपना यहाँ पे लैम्प शैम्प सब कुछ भाई फुल गाड़ी शाड़ी पैक हो गई हुई है। ये अपना कुछ ऐसा नज़र आता है बाहर से घर, ये लीज पहले लीज सब लीज हो गया क्योंकि हमने ये घर ले लिया, और जिससे थ्रू लिया वो है निकलसन रियल स्टेट। कुछ ऐसा नज़र आता है बाहर से घर, और ये वैन लेके आए हैं ब्रोदरा अपना सामान सुन, और बिल्कुल काम स्ट्रीट है, खामोशी भाई बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं। हाय अनस, सलाम अलैकुम, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे भाई। फाइनली हमें घर मिल ही गया है, और बस उधर आए हैं अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने, और हारिस भाई साथ है अपने, और अभी सामान सुन गाड़ियाँ पड़ा हुआ है, बस रोज़ारा लाइटें शाइटें ऑन करो जरा। ये अपना कुछ ऐसा किचन वगैरह दिखता है, और ये भाई माशाल्लाह बहुत खुश हैं आज आफ्टर फाइनली 3 महीने के बाद भाई इज्जत, ओ इज्जत कह रहा हूँ उसको, उन आया ज़िंदगी में, और वो वाइन की बोतल लेके आए, पार्टी होगी आज माशाल्लाह, सेलिब्रेशन होगी पूरी पूरी आज वाइन की बोतल से। अस्तग़फिरुल्लाह कितने की लेके आए हो ब्रो? ये वाले भाई लेके आए वाइन की बोतल 55 डॉलर। भाई ने कुछ पहले ही थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख दिया था, और ये सामान सुन गद्दे शदे भरे हैं, बाकी फिर आके आपको हाउस टूर दिखाते हैं। और थोड़ा बहुत ये मेरा रूम आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके भाई का रूम आ गया, अलमारी वगैरह सब कुछ बीच में, कबर्ड शबर्ड ये वो बेहतरीन सिस्टम है। मैं यार आखिरी कमरा ले लेता हूँ। ये काशी का कमरा, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बसी इंतजाम है, ये तो रूम तो ये तो नहीं दोबारा ये थोड़ा रूम, वो नुक्कड़ थोड़ी भरी है जो कोना नजर आ रहा है ना वो थोड़ा भरा है। ये भाई बेहतरीन, ये देखें हाल भाई क्या हुआ, डायरेक्ट जॉब से आए, सारी बैटरियां चार्ज कर रहे हैं। काशी में कहना काशी में लाइट आती है। ये अगर विंडो शिंडो खोला तो सामने भाई व्यू नजर आता है प्यारा सा, वो रेनफॉल वाटर उसमें रहेगा, बारिश पड़ रही है, शावर बहुत लसी है, बारिश पड़ रही है। और ये मिरर चेक कर रहे हैं भाई, ओहो हो भाई तो बहुत बड़ा मिरर है। सबसे जरूरी क्या चीज, किलियां लगी हुई यहाँ पे, आए मिरर तो भाई ही है। ओ यार क्या बोल रहे हैं। अच्छा ब्रो यार अपना रूम दिखाओ जरा, रूम टूट कराओ जरा अपना। ये माशाल्लाह बस ये रूम मतलब अलग साइड पे है, इसमें शोर शराबा करनी है, यहाँ पे जो मर्जी करें, और ये का थोड़ा दवा शरीर लोक हो जाएंगे। भाई मेरे साथ रह रहे हैं, मैंने कहा पुता रख ले थोड़ा। ओ यार डिस्गस्टिंग, इधर क्या है, ये है क्या, ये है क्या, ये पीछे वो बालकनी भाई के नहाने की जगह। ओ यार ये टाइलें बहुत प्यारी लगी हुई है, ये टॉयलेट ये उन्होंने देखा ना बहुत बेहतरीन काम कर दी है। ये अपना लॉन्ड्री रूम आ गया, घर थोड़ा मतलब पुराना ही है लेकिन उन्होंने पेंट शेंट किया, मेंटेन करके दिया है जरा। और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इन क्वालिटी बल्ब मिला था, वो लगाया हुआ है। और ये स्टोर रूम भी है इधर यहाँ पे यार, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये सोच रहे हैं ये वाला कमरा ले लें, यहाँ पे बेड बिछा लें। ये बहुत खुला कमरा, ये हमारा स्टोर रूम कह सकते हैं आप, ये विंडो एसी लगा हो अन्ना भाई। इस घर के सबसे मजे की बात ब्रो क्या है, यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए माशाल्लाह, बारबेक्यू ओहो पार्टी होगी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बरगद का पेड़ भी है, छोटा हो गया, ये अमावस की रात को देखना बड़ा होगा। ये भाई फुल अपना बैक यार्ड है, और ये कपड़े उस अपना ड्राई वगैरह करने के लिए है, और यहाँ से फिर एक गुफा निकलती है, और ये बारबेक्यू एरिया है भाई फुल वीआईपी भाई, ये तो बहुत बेहतरीन काम हो गया। अच्छा जी यहाँ भी मशीन आ सकती है वैसे, यहाँ पे
यार लेकिन इधर पानी ना छोड़े। वाओ ओपन एयर चिकन। ओ ओए ओ ये भी किचन है ना? ये भी किचन है। हां फुल इधर भी लाइट लगी हुई है। लाओ जरा रोशनी कर देनी हर पासे जितने जाओ। ओ That's nice. बारबी को यहाँ भी हो सकता है। ओ भाई जी गंगी कर दे। ओ यार ये तो बहुत सैनिटाइजर भी है। केबल में कुछ है तो नहीं? कुछ मिल जाए फ्री दी चीज। ओए 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 कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कितना शुक्र है जमीन पटनी पड़ेगी पूरी फिर। पट देंगे। समझ नहीं है ये बनाया क्यों ये शेल्टर के साथ। पीछे से गाड़ी ले गया गाड़ी आ सकती है पीछे दरवाजा खुलता है इधर थोड़ी आ सकता है दरवाजा खुल सकता है पूरा नहीं खुलता भाई चार दीवारी करके कमरा चलाया रेंट ते बॉल बड़ी अच्छी निकलेगी तेज निकलेगी यहाँ से वो देखो पिछली खुली जगह ये पट देंगे यहाँ से सही बात है ये चप्पू नीचे आ जाएगा ध्यान से ब्रो ये ध्यान से ध्यान से वो जिनका कद छोटा है ना उनको राह ऊपर चला जाए आराम से नुकसान ही कोई नहीं है यार वैसे मैंने वैसे बताया आपको यार समीर की बात कर रहा तू बच के टिंड देना बच कम टू द मेन पॉइंट मजदूरी शुरू करें दोबारा ओए लाइट बंद करो ब्रो बिल आ जाएगा यार सोलर पैनल यूज करो फिर आपने पीछे सोना है भाई साड़ी ते है रे वो पर्दे ला रहे उधर यार मैंने ना नई गाड़ी लेनी है स्काईलाइन तो मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी क्या करूँ मैं पहले बुकिंग करा रहा हूँ तो ताले का कॉम्बिनेशन को भूल गए वो लोग अच्छा कह रहे हैं लॉग ही रहेगा ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं जानबूझ के कह रहा हूँ बहुत दिन रहे क्या ही यार क्या ठंडी वार ये हीटर बहुत कमाल है अभी देगा हीट सब्र तो करो मैक्सिमम कोल्ड कैपेसिटी भी हो जाती है तो भाई और शिफ्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट अपनी सब हो गई है और सामान वगैरह मेरा तो सब सेट हो गया और बस बाकी किचन वगैरह का सामान रह गया कॉफ़ी लेने जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाके मिलते हैं और धूप वगैरह बेहतरीन है तो 7-Eleven आए हैं अभी कॉफ़ी पियेंगे फिर चलते हैं यहाँ से अपनी कॉफ़ी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से ये अपने डोनर शोनर भी ले सकते हैं बट आपका भाई यू नो जिम शिम कर रहा है आजकल तो खाली बस यही चलेगी मिक्स वगैरह कर लेंगे इसमें थोड़ा शुगर वगैरह डाल दिए मिक्स वगैरह करके फिर निकलते हैं ये सारा स्टोर ऐसे नज़र आता है कुछ 7-Eleven का स्टोर और ये मशीन है भाई यहाँ पे आगे खुद ही कॉफ़ी बनाओ और खुद ही पी के भाई चलो भाई बस काउंटर में जाके पे करना थोड़ी सी ऊपर सीजनिंग कर लेंगे चॉकलेट की ये थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हो गई ये सारी लेक है और बस कार पार्क में जा रहे हैं लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मिलना कितना मुश्किल हुआ हुआ है तो
हम भी इसी बस कोशिश में लगे रहे हमें कोई सफर कर सकते और अच्छी लोकेशन हो, मतलब उतना दूर भी ना हो। दूर 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 मिल रहे थे घर, लेकिन जॉब के और सिटी के थोड़ा नज़दीक घर नहीं मिल रहा था कोई। तो हम एज़ यूजल ट्राई करते रहे, अप्लाई वगैरह करते रहे, बट एक घर में नज़र आया रेजरवर, तो वहाँ हमने अप्लाई किया। बट इंस्पेक्शन की डेट वगैरह सब कुछ आ गई, तो इंस्पेक्शन करके हमने ओवर द फोन फाइल वगैरह अपना पे स्लिप्स वगैरह सब कुछ अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया तो उसके एक दिन बाद हमें मैसेज आ गया कि भाई किसी और की फाइल सक्सेसफुल हो गई है और किसी और को घर मिल गया हमसे पहले। तो हम बहुत ही हर्ट हुए, दूसरे घर वगैरह देखने आगे वहाँ पर अप्लाई वगैरह किया। बट आफ्टर मे बी 3-4 डेज हमें मैसेज आया कि जिसकी फाइल सक्सेसफुल हुई थी उसने अपनी फाइल विड्रॉ कर ली है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट हमारी किस्मत में घर था। फिर हमने दोबारा अप्लाई किया और 2-3 दिन की मेहनत करके, मेहनत का क्रेडिट हारिस को जाता है कि भाई हारिस ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत करके तो हमें वो घर मिल गया। अभी 2 दिन पहले वहाँ मूव हुए हैं और इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि पहले मिला है, अच्छी बात तो ये कि भाई मिल गया, भाई सुकून है, स्टेबिलिटी है ज़िंदगी में ज़रा। और मतलब दूसरी अच्छी बात ये कि पास ही लेक है और पास ही कॉफ़ी शॉप वगैरह सब बेहतरीन सिस्टम है और सिटी में इतना दूर नहीं है यहाँ से और रेलवे स्टेशन कोर्स वगैरह सब कुछ पास है। तो इसीलिए अभी आपका भाई ज़रा कॉफ़ी पीने का मूड था, कॉफ़ी पीने आया था, बट ये था कि यू नो जब घर के पास लेक हो तो फिर बंदा किसी भी हालत में आया था। अगर आपका भाई इसमें जूती पहन के लेक में फिर रहा है तो मौसम भी अच्छा है, आज सनी वेदर है और संडे का दिन है, तो मैंने सोचा वाई नॉट, और क्लास में ही अराउंड 1 बजे है तो अभी तो 10 बजे हैं सुबह के, तो यू नो आपको भाई को सुबह जल्दी उठने की आदत है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, सर्दी का एहसास हो रहा है बट लास्ट वीडियो में जो लोग कह रहे थे कि भाई तू खुद ऑस्ट्रेलिया बैठा है तो लोगों को मना कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया ना आओ, मेरी वीडियो बनाने का हर किस मतलब ये नहीं था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ना आओ, मैं सिर्फ इस बात के बारे में फ़ोन कर रहा था कि भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या आने के बारे में सोच रहा है तो वो अपना अकोमोडेशन कोई ना कोई बंदोबस्त वहाँ से करना स्टार्ट कर दे और अपनी जॉब भी अगर कर लेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसको यहाँ पर आके मसला ना हो। जॉब शो अकोमोडेशन मिल रही है, हमें मिली है भाई, बट ये है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे हैं उसको, तो 3 मंथ्स हमारे पास कोई ना कोई जुगाड़ वगैरह थे, हमारे दोस्त थे शुक्र अल्लाह का, तो इतना मसला नहीं हुआ। बट जो नया बंदा आ रहा है उसका मतलब सोशल तो है ही नहीं, वो उसका जानने वाला तो है ही नहीं है, बेटर जगह पाकिस्तान से अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करके आए। और ये मैं कहना चाह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ना हो, ऑस्ट्रेलिया इज़ नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जगह कोई नहीं है। तो आए भाई ज़रूर ऑस्ट्रेलिया, आए घूमें फिरें, इंजॉय करें, मेहनत करें और बस यही समझ जाए आगे पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तोड़ मरोड़ कुछ ऐसा भी है भाई, समझ जाए स्टूडेंट बनते हैं भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। बॉय फ्रॉम पाकिस्तान, लव फॉर मेलबर्न, बाय।